बीसीसीआई के सचिव श्रीमान जय जी, श्री धनुराज नथवाणी जी और आज देश भर से आए हुए राज्य के सभी खेलकूद जगत के नामांकित व्यक्तिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से भारत के लोह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पॉट एंक्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका यह विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है, क्योंकि मैं यहाँ से सांसद भी हूँ। राष्ट्रपति महोदय, आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूँ। मित्रों, कोविंद जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बने, इस दिन भारत के करोड़ों सामान्य जनों के मन में एक श्रद्धा जागृत हो गई कि हमारा लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट हो चुका है। एक सामान्य घर से जन्मा हुआ, संघर्ष करा हुआ व्यक्ति, एक देहात के अंदर पला बड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर, अपने कर्तृत्व के दम पर, अपनी निष्ठा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है, यही हमारे लोकतंत्र का गौरव। जब मैं पार्टी में था, कोविंद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी मेहनत शायद ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है। और अपने आप को आगे न करते हुए चुपचाप अपने दिया हुआ काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव देना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की।